with you. Babies! Ding-dongs! I already sang a song. Yes. Oh. Okay. Stupid. I'm going. तो ये तो इनको बर्फ के टुकड़े मिल गए। Yes, Carlos, पूरे 50। अब आगे की स्टोरी? आगे की स्टोरी स्क्रीन प्ले और डायलॉग के साथ याद है। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। प्रोड्यूसर्स डिमांड। कहानी के डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज। अब हीरोइन बर्फ के टुकड़ों को लेकर गोवा से मुंबई ट्रेन में आएगी। व्हाट? ट्रेन में? जी, ताकि ब्रा एंड शुगर नाम का विलन उसे पकड़ ना पाए। याद रखो 30 तारीख। समझ लगा है बोरकर? ओ सर, कार्लोस एक फिल्म बना रहा है जिसका नाम है 50 बर्फ के टुकड़े। फिल्म लो बजट है सर, इसलिए हीरोइन को ट्रेन से बुला रहा है। इडियट बोरकर, बोर मत कर। हीरोइन का मतलब है सानिया और 50 बर्फ के टुकड़ों का मतलब है 50 करोड़ के हीरे। काहे बोलतो साहब? हाँ तेज बोल तुम्ही। सर आपको कैसा मालूम? अबे कार्लोस अपने आप को जितना नहीं जानता, ये माने उसे जानता है। सर याद है वो 4 साल पहले वाला रेट? पक्की खबर है सर, कल सुबह का हेडलाइंस देख लीजिएगा। इंस्पेक्टर नामाने ने कार्लोस का 5 करोड़ का ब्राउन शुगर पकड़ लिया है। सर बिजी हूँ सर, कल बात करता हूँ सर आपसे। ओके कम 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 कम। प्रेस वाले सब रेडी? हाँ बोल कर। यस सर। ओपन। ब्राउन शुगर के बदले ब्रांच शुगर? नो बोटो। उसे एक दिन ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी पोजीशन। यू आर डिमोटेड माने। डिपार्टमेंट नहीं सर, ये 30 तारीख आखिरी तारीख होगी। लेकिन सर महीना तो 31 का है। इस बार 30 तारीख को खत्म होगी, खत्म होगा वो खेल जो कार्लोस असानिया मेरे साथ पिछले 4 साल से खेल रहे हैं। कार्लोस, the game begins now. Mani, darling, what are you up to? आखिर क्या चाहते हो तुम? वही जो मैंने आज तक नहीं किया। कितने ऑफर्स आए, रिफ्यूज करता रहा। आज पता चल रहा है कितनी प्यारी चीज होती है वो। क्या? रिश्वत। 50,55,501 रुपये और 50 पैसे ठुकरा चुका हूं मैं, और बदले में क्या मिला? ठेंगा। मेरे बैच के सारे इंस्पेक्टर्स कहां से कहां पहुंच गए। गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, और तो और मां भी है उनके पास, और मेरे पास राजमा तक नहीं है किचन में। ओ माने डार्लिंग, I feel pity for you. अब मैंने भी सोच लिया है कि अब मेरे पास भी ये सब कुछ होगा, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस और मोबाइल फोन भी, जिसमें लड़कियों के वो वाले MMS आते हैं। वर्दी तो होगी लेकिन ईमानदारी की गर्मी नहीं होगी। जहाँ भी जाऊँगा फ्लाइट से जाऊँगा, 3 टायर AC, सारे घर में AC लगवा डालूंगा, 3 3 सेंट्रल AC, इसलिए तो तुम्हें लाया हूँ। AC डलवाने? नहीं, डील करने। डील? देखो सानिया, दुनिया कुछ भी कहे, मुझे पता है कि कार्लोस के 50 करोड़ के हीरे कहाँ हैं, सिर्फ तुम्हें पता है। Listen to me, माने में। Listen to me, darling. You listen to me. सानिया, कार्लोस तुम्हें क्या देगा? 25 लाख? 50 लाख? मैं तुम्हें 50% दूंगा। 25 crores. पता तो कहाँ ही रे, मिलते ही देश छोड़ के चले जाएंगे। रास्ता साफ है बेबी। 25 करोड़ मेरे, 25 करोड़ तुम्हारे। बोलो सानिया, दोगी ना मेरा साथ? Carlos.
पीटर। यस सर। मेरे टेलीफोन का बिल तो भरा था ना? बिल भरने के लिए तो परसों एक बैंक लूटी थी। कौन सी बैंक? आपकी पिगी बैंक। सर सर वही तो पैसे बचे थे। या कोई नहीं हिंदी समझता, चलो खेलते। सानिया की नियत में चेंज है, हमारे मुंबई के शार्प शूटर को फोन करो। सर कहना चाहिए समथिंग? या श्योर। बीच में हमारे पास काम नहीं था तो हमारे शार्प शूटर ने मुंबई म्युनिसिपैलिटी में चूहे मारने की नौकरी ले ली। यू नॉट, ओनली कार्लोस कैन सी हिज फ्यूचर। सर गुड शॉट, गुड शॉट। आई नो, मुंबई में ऐसा कौन सा आदमी है जो हमारा काम कर सकता है? गोली ला। दूध में पानी बराबर है कि और डाले? बराबर है भैया, एक लघु शंका है। तो क्या कान में करोगे? छोटा प्रश्न है, आप ये एक ही सिनेमा रोज रोज काहे देखते हैं? हमको सरकार बनने का है। सरकार? भैया जब आप तबेले में खड़े होते तो भैंस दूध देना बंद कर देती है, जब आप मोहल्ला से गुजरते तो लड़कियां लाइन देना बंद कर देती है, जब आप गली से गुजरते तो कुत्ता भौंकना बंद कर देता है, आपको जनता वोट कैसे देगी? बुड़बक, सरकार मतलब डॉन, ऐसा डॉन जिसको मुंबई का पुलिस दुबई में ढूंढ रही हो और दुबई का पुलिस मलेशिया में ढूंढ रही हो, और उस ससुरा चाइना में बैठ के चौंग पोंग के साथ चाय पी रहा हो, बस एक मौका हिला के रख देंगे। का भैया? हेलो माता प्रसाद। अरे ये तो हमारा नाम है, तुम अपना नाम बोलो। कार्लोस। कार्लोस हो गया तो पुलिस में जाओ ना भाई, हम ये टुच्चा काम नहीं करते यार। माता प्रसाद, कार्लोस द डॉन फ्रॉम बैंकॉक। अरे कार्लोस भैया, पाय लगी, भूल गई। अरे कार्लोस भैया, हर स्ट्रगलर का सपना होता है फिल्म लाइन में सुभाष गई के साथ और अंडरवर्ल्ड में कार्लोस भाई के साथ काम करने का। और हमारा तो कोई क्राइम रिकॉर्ड भी नहीं है क्योंकि क्राइम करने का मौका नहीं मिला। वही पढ़ के तो तुम्हें नौकरी दे रहे हैं। आप बोलिए भैया, किसको ठोकू, कैसे ठोकू, कहाँ पर ठोकना है? समझ गया। आपको सनिया चाहिए? सनिया नहीं, सानिया। हाँ हाँ वही तो बोल रहा हूँ, सनिया। अगर बैग ना मिले तो सनिया को उठा लेना, एड्रेस लिखो। ए दादा। हाँ भैया। पता लिख पता। ठीक है भैया। जी भैया, भैया जी, सिक्स अल्वारेज हाउस। क्या बोले भैया? सिक्स अल्वारेज हाउस। अच्छा सिक्स अल्वारेज हाउस बांद्रा। थैंक यू कार्लोस भैया, मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन। भैया मुंबई, पीटर मुंबई जाना होगा। मुंबई तो जाना ही पड़ेगा, ये बंगला, ये गाड़ियां, ये लड़कियां, इन सबका भाड़ा मैंने पोस्ट डिलीवर चेक से दिया है, समझ रहे ना आप? अब तो बैंक वालों ने भी और चेकबुक देने से मना कर दिया है। मुंबई तो जा कैसे जाएंगे, वहां भी तो आपके नाम का वारंट है, आपको किसी ने पहचान लिया तो। पहचाना नहीं सर आप? अरे ये आईडी आपको कहाँ से मिली? ओल्ड हिंदी फिल्म्स, पुरानी हिंदी फिल्में। कितनी बार कहा है भैंसों को चने मत खिलाया कर, इनका करने का शेड्यूल बिगड़ जाता है। और तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल पता के ऊपर करना था। काली भैंस क्या था? लावारिस हाउस? नहीं नहीं, सिक्स अलकायदा हाउस? नहीं भैया। अरे तो फिर एड्रेस क्या है? याद आया, सिक्स गुलरेज हाउस बांद्रा। तो चल कम कम। नो 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 नो। बोल उस साला किसान की दौरे, जल्दी बोल बुढ़ा बेंजो, तेरे को आधा घंटा से मैं बोल जा रहा है, तो बोल किसान किधर है? अरे चिल्ला कह रहे हो, दोबारा फोन करके पूछ लो ना कार्लोस भैया से।
एक बार कुछ ऐसा बोल ताकि मुझे तेरी फिक्र नहीं, फक्र होना चाहिए। पहली सुपारी में इंप्रेशन की बात लगाएगा, याद कर लिया।